इस वीडियो में हम लोग फ्लोरिडा स्ट्रेट के बारे में जानेंगे। यह स्ट्रेट अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है। आइए हम लोग इसे मानचित्र पर देख लेते हैं। यहाँ अटलांटिक महासागर है और इधर पश्चिम की तरफ मैक्सिको की खाड़ी है। ये दोनों जलीय क्षेत्र एक सक्रिय जलमार्ग द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इस सक्रिय जलमार्ग को ही फ्लोरिडा स्ट्रेट कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोरिडा स्ट्रेट अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। यहाँ ऊपर की तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का अर्थ होता है कि ऐसा भूखंड जो तीन तरफ जल से घिरा हो। तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। ध्यान रखना कि फ्लोरिडा प्रायद्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक प्रायद्वीप है। यहां पर क्यूबा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोरिडा स्ट्रेट संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है, या हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा को अलग करती है।